पांच जन पी के आए, मुझे आड़ा मार दिए गाड़ी, और मैं निकालने के लिए बोला तो ये लोग डायरेक्ट मुझे अन्ना है ऐसा ऐसा सब ये लोग मुझे मारना चालू। कब की घटना? लोग आए गाड़ी सीधा लाइन में आड़ा मार दिए ये लोग। हम लोग बोले कि गाड़ी हाइट मटा तो दारू बिल्कुल बोलता है मर्डर करेगा। मैं नहीं होगा तो हम धंधा करेंगे, हम धंधा पे बैठेंगे। जब तक ये न्याय न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धंधा पे बैठेंगे। नालासोपारा के सेंट्रल पार्क इलाके में आज ऑटो रिक्शा चालक आक्रोशित हो गए। उनका कहना था कि बीती रात एक रिक्शा चालक ने एक रिक्शा चालक को पीट दिया। उनका आरोप सीधे तौर पर एक रिक्शा चालक पर था, जिसको बताया जा रहा है कि उसकी दबंगई हर दिन देखने को मिलती है और किसी न किसी रिक्शा वाले को वो टारगेट कर कर पीट देता है। ऐसे में यह मामला बढ़ते देख रिक्शा चालक एक हो गए और उस रिक्शा चालक के खिलाफ आक्रोशित हो गए। आज प्रातः उन्होंने लगातार अपनी गुहार पुलिस से लगाने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने ताबड़तोड़ इस पूरे मामले को देखते हुए संज्ञान में लिया। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो रिक्शा चालकों में इतना आक्रोश था कि पुलिस स्टेशन के बाहर और आसपास के इलाकों में जमावड़ा लग गया। इस पूरे मामले पर रिक्शा चालकों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मेरा नाम हौसला प्रसाद यादव है। मैं लाइन में गाड़ी लगाया था, ये लोग चार पांच जन पी के आए, मुझे आड़ा मार दिए गाड़ी, और मैं निकालने के लिए बोला तो ये लोग डायरेक्ट मुझे अन्ना है ऐसा ऐसा सब ये लोग मुझे मारना चालू। कब की घटना है ये? है सर 8:30 बजे की कल। हाँ, किस विषय पर लड़ाई हुई? किस विषय पर लड़ाई हुई सर? वो आड़ा मार दिया, मैं उसको निकालने के लिए बोला तो निकाला नहीं, बोलता है तेरे से बहुत हसन है पहले से ही, तेरे को आज तेरा मर्डर ही करेगा मारेगा ऐसा सबके सामने चौकी के सामने वो बोल रहा था। ये लोग आए गाड़ी सीधा लाइन में आड़ा मार दिए ये लोग। हम लोग बोले कि गाड़ी हाइट मटा तो दारू बिल्कुल बोलता है मर्डर करेगा। मैं तो बाद में इनको एक मारा, ये लोग गिर गए तो मैं छुड़ाने गया तो मेरे को पकड़ के मेरे को मारे। क्या नाम है आपका? जी मैं प्रदीप मिश्रा विजय, भारतीय जनता रिक्शा चालक बालक यूनियन से पालघर वसई विराज जिला अध्यक्ष। क्या कि मुझे जहाँ तक सूचित हुआ कि हमारे हौसला भाई को कोई अन्ना करके व्यक्ति है जो कि गाड़ियाँ घुसाता है पुलिस प्रशासन से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से वो हफ्ता वसूली भी करता है, सब कुछ करने के बावजूद अगर ये वहाँ लाइन में गाड़ी घुसा रहे हैं, इसकी जानकारी अगर इनको प्राप्त होती है, अगर वो गाड़ी वहाँ निकालने के लिए कहते हैं उसके ऊपर इनको इन लोगों को मारा जाता है। ये पहली बार नहीं है ये घटना, ये अनेकों बार होती है, बहुत अच्छी तरीके से है लेकिन उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती। क्या मांग है आप? मांग क्या है? वहाँ की जो प्रशासन है जो कि ट्रैफिक हवलदार हो, ट्रैफिक हवलदार यहाँ से बदली किए जाए और उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उसको